हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खड़ी मूंग की दाल की सब्जी। यहाँ मैंने छिलके वाली मूंग की दाल ली है। ये सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे रोटी, पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं। स्पेशली ये रोटी और पराठे के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखते हैं, इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने मूंग की दाल ली है। मैंने आधा कप खड़ी मूंग की दाल को 2 बार पानी से धो लिया था और इसमें मैंने 1.5 से 2 कप पानी डाल करके थोड़ा नमक डाल के मैंने इसे 3 से 4 सीटी प्रेशर कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। आप चाहे तो मूंग की दाल को 6 से 7 घंटे के लिए सोक करके भी आप बॉईल कर सकते हैं, जिससे कि ये काफी जल्दी बॉईल हो जाते हैं। आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच घी, जिससे कि सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, 2 बड़ी चम्मच कटा हुआ धनिया पत्ता, 3 बड़ी चम्मच ऑयल, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याज, 2 मीडियम साइज टमाटर कटा हुआ। अब हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें जीरा डालेंगे, तेज पत्ता और सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हमारा जीरा तड़कने लगा है तो अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे प्याज अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हम फ्लेम को लो करके इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से पका लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे मसाले पक चुके हैं। तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, नमक डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे हम टमाटर के गल जाने तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले में से तेल छोड़ने लगा है। तो हमारे मसाले अच्छी तरह से पक कर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें उबला हुआ मूंग की दाल डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। आप अपनी जरूरत के हिसाब से पानी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बॉईल होने लगी है। तो अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और इसे ढककर हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बनकर तैयार है। तो अब हम इसे थोड़ा मैश कर लेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी काफी अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, धनिया के पत्ते डालेंगे और अब हम इसमें घी डालेंगे, जिससे कि सब्जी का स्वाद और बढ़ जाएगा। अब हम सब्जी को मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय बाय।